नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे मासिक धर्म को 5 मिनट में लाने की दवा। दोस्तों 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये दवा बता देंगे और ये बेहद कारगर है, 100% इसका असर होगा, निश्चित तौर पर होगा। साथ ही इसमें बहुत ही साधारण चीज का उपयोग करना है आपको, हरा धनिया। अधिकतर लोग हम में से चटनी खाते हैं, हरे धनिए की सब्जियों में डाला जाता है, तो ये बहुत ही कॉमन चीज है। लेकिन इस हरे धनिए का इतना असरदार और तेज नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, यदि आपका मासिक धर्म सालों से भी रुका हुआ है तो भी इस नुस्खे के प्रयोग से 100% आपका मासिक धर्म आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो भी मित्र आज हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों आप यहाँ पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्यता लें, इस बटन को दबाकर आप हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो आप रोज देख पाएं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मासिक धर्म को लाने की दवा। दोस्तों आप हरे धनिए का प्रयोग करके मासिक धर्म को बहुत तेजी से बहुत जल्दी ला सकते हैं, और वो भी सालों से। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपकी पुरानी से पुरानी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं, जिन महिलाओं की उम्र 40 के ऊपर हो चुकी है उनको भी यदि कई सालों से उनका रुका हुआ है, नहीं आ रहा है मासिक धर्म, तो उनके भी लिए मैं इस उपाय को रिकमेंड कर रहा हूँ। सभी लोग ये प्रयोग करके जरूर देखें, 100% आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले चाहिए होगा हमें हरा धनिया, और हरे धनिए के अलावा एक चीज और चाहिए होगी जिसको हम सहजन बोलते हैं। ड्रम स्टिक ट्री आता है एक पेड़, उसकी पत्तियाँ होती हैं, इनकी फलियों की हम सब्जी बनाते हैं। आपको यूट्यूब पर और गूगल पर इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो हमें ये दो चीज़ें चाहिए होगी, पहली चीज हरा धनिया, दूसरा सहजन। दोस्तों इसकी जो है हमें लगभग हरे धनिए की एक गड्डी लेना है, आपको हरे धनिए की एक गड्डी लेना है और सहजन की पत्तियां लगभग 1 कप आपको लेनी होगी। या देख सकते हैं आप लिखा हुआ, इसको आप नोट कर लें चाहे तो, सहजन की 1 कप आपको पत्तियाँ लेनी होगी और लगभग 1 गड्डी आप लेंगे हरा धनिया। इन दोनों को आपको सिंपली इसका जूस निकाल लेना है, कुछ भी नहीं करना है, पत्ती और हरा धनिया दोनों आप साथ में डालकर जूसर से इसका जूस निकाल सकते हैं। बस जूस निकालने के बाद में आपको इसको सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद में आपको इसको पी लेना है। दोस्तों इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, यदि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की, तो आपको इसका उपयोग नहीं करना है, अदरवाइज बाकी सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। रोज सुबह आपको फ्रेश होने के बाद धनिया और सहजन का जूस निकाल कर पीना है, मात्र इतना सा नुस्खा है। इसको शुरू करना है आपको मासिक धर्म आने की डेट के 5 दिन पहले से, और इसको यदि आपका नॉर्मली है कुछ टाइम से रुका हुआ है, महीना 15 दिन का, तो 5 दिन पहले से मासिक धर्म आने की डेट से पहले शुरू कीजिए और 5 दिन बाद आपकी मासिक धर्म आ जाएगा। यदि आपका पुराना प्रॉब्लम है, सालों हो गए आपको मासिक धर्म नहीं आया है, तब आप मासिक धर्म आने की जो भी आपकी डेट हो उसके 5 दिन पहले से इसको शुरू करें, और अगले महीने की जो डेट हो मासिक धर्म की उस डेट के दिन तक इसको बराबर पिए। ये प्रक्रिया यदि ज़्यादा दिन की है ये समस्या, तो कम से कम 1 मासिक धर्म की डेट से अगले मासिक धर्म की डेट तक लगातार करें, और यदि ये कम है कुछ दिनों की समस्या है तो 5 दिन पहले से मात्र करें, अधिकतम आप 1 हफ्ते पहले से शुरू कर सकते हैं, आपका मासिक धर्म टाइम पर आ जाएगा। और इस नुस्खे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपका मासिक धर्म नियमित हो जाएगा। यदि आपका अनियमित है, कम आता है, आपको कमजोरी है, तो ये सब कुछ सारी समस्याएं नुस्खा ठीक कर देता है। दोस्तों यदि जूस लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप सिंपली सहजन को हल्दी और नमक के साथ में लगभग 2 गिलास पानी में इसको उबालें, जब पानी 1 गिलास बचे तब इसको खाली पेट इसको पी जाए, उबाल कर आप पी जाए सहजन को पानी में। बस इतना सा काम यदि आप कर लेते हैं तो भी आपका पीरियड आने में आपको आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, सिंपल धनिया सहजन के उपयोग से आप पुराने से पुराना अपना मासिक धर्म की जो प्रॉब्लम है उसको इजीली घरेलू नुस्खों से ठीक कर सकते हैं, बहुत ही रामबाण है। यदि आपको इस टाइप की समस्या है तो जरूर इसका प्रयोग करें। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।